हिंदी दौड़ लू थोड़ा थोड़ा। नाम क्या है आपका? निशा। हाँ, इंडियन नेम है से। ये दोनों तरफ रोड है और ये बीच में रेलवे ट्रैक है। और ये देखो मॉरिशस। अन्य लोग इंडिया से ही आए होंगे? जी हाँ, मेरे ससुर के पापा। अच्छा, ससुर के दादा इंडिया से आया। और यहाँ पे जो बस स्टॉप होते हैं ना वो बस है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रैकर। और अभी मैं हूँ मॉरिशस। मॉरिशस का एक कार्टरे बॉन्स सिटी है, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत सिटी है। तो वहाँ पे हूँ और आज मेरा प्लान है स्कूबा जाने का। मॉरिशस में आओ और स्कूबा ना करो। तो अभी हम लोग चलते हैं। ये देखो जहाँ मैं ठहरा हूँ, अभी मैं मेरे होस्ट के घर से निकला ही हूँ। मेरा होस्ट है जो थोड़ा साई टाइप का है, वो शर्माता है कैमरे से। तो अभी मैं मेरे होस्ट के घर से जा रहा हूँ जो कार्टरे बॉन्स यहाँ का थोड़ा सा दूरी स्कूबा सेंटर है, वहाँ पे जा रहा हूँ। और वहाँ से मैं जाऊँगा स्कूबा डाइविंग के लिए। और अब मैं आ गया हूँ ये कार्टरे बॉन्स की मेन रोड है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक भी है, पहले भी दिखाई होगी आप लोगों को। ये दोनों तरफ रोड है और ये बीच में रेलवे ट्रैक है। और अभी मैं हूँ यहाँ पे, कोई कॉलोनी है मॉरिशस की, कॉलोनी दिखाई देता हूँ आप लोगों को कैसी दिखती है यहाँ की कॉलोनी। बिल्कुल सुनसान, एकदम शांत, साफ सुथरी। आप लोग देखो भाई, ये यहाँ की घर है, ये कोई कॉलोनी है यहाँ की। ये यहाँ पे अभी मार्केट ओपन हो रहा है सुबह सुबह, अभी यहाँ पे लगभग 9:30 बज गए हैं। तो ये देखो पकौड़ियाँ भी बिक रही है यहाँ पे। ये कुछ कपड़े वपड़े के जो अपने ठेले लगते हैं ना, ठेले टाइप के, वैसे हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने सुबह देखा होगा, मैं जा रहा था स्कूबा डाइविंग के लिए। लेकिन क्या है कि पता नहीं यहाँ पे क्यों अभी ना स्कूबा डाइविंग के सारे भाई जो अरेंज करते हैं ना, वो सारी शॉप वालों ने, सब जो टूर एजेंसी है, सब ने मना कर दिया मेरे को कि हम लोग अभी स्कूबा डाइविंग अरेंज नहीं कर रहे हैं, एक महीने बाद, लगभग 15 से 20 दिन बाद, मिनिमम 15 दिन बोला, कई लोगों ने एक महीना बोला। शायद हो सकता है उनके पास स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए मना कर दिया हो। तो मैं आ गया हूँ यहाँ का कोई गार्डन घूमने और यहाँ के माउंटेन्स घूमने। मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो किया जाए। वो देखो उधर वाली अच्छी खासी बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ पे एक जिम वगैरह भी बना रही है इन लोगों ने एक्सरसाइज के लिए। और यहाँ पे देखो एक गार्डन। तो अभी हम लोग चलते हैं माउंटेन्स के ऊपर। अब हम लोग यहाँ का व्यू देखेंगे, पूरा मॉरिशस देखेंगे, पूरा माउंटेन्स के ऊपर चलेंगे, वहाँ से अच्छा खासा व्यू दिखता है। लगभग यहाँ से 30 से 40 मिनट की वॉक होने वाली है। 30 से 40 मिनट की वॉक करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे माउंटेन्स के ऊपर, और फिर उसके बाद देखते हैं वहाँ पे बैठेंगे थोड़ा सा। अब थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और देखते हैं मॉरिशस का व्यू। नहीं आते हैं गजब का अल्टीमेट बना रखा। जब मैं वहाँ पे था ना, पोर्ट लुइस में था ना, जब वहाँ पे यूँ लग रहा था साला क्या है भाई यहाँ पे, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब मैं इस तरफ आया ना, जो कार्टर बॉन्स है ना, इस तरफ आने के बाद मालूम चला कि हाँ, हकीकत में यहाँ पे काफ़ी कुछ है भाई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, गार्डन है, ग्राउंड्स है अच्छे खासे, काफ़ी कुछ देखने को मिला जब मॉरिशस में घूम रहा हूँ। वरना हम पोर्ट लुइस जो है कि कैपिटल है ना, वहाँ तो कुछ भी फीलिंग नहीं आएगी, सेम डिट्टो इंडिया वाली फीलिंग आने वाली है। और ये देखो सामने क्लाउड्स, वेदर क्या मस्त वेदर हो रखा है। बिल्डिंग्स देखो, वो ग्राउंड सामने, ये फुटबॉल ग्राउंड है। और सब लोग है जो गार्डन में घूम रहे हैं, मैं जा रहा हूँ माउंटेन्स में ऊपर। यार ये रास्ता जाता है, देखो वहाँ से वो रास्ता आता है, मैं जा रहा हूँ इधर से। यहाँ पे कुछ जंगली जानवर तो नहीं मिल जाएंगे यार मेरे को। यहाँ से दिखता है पूरा मॉरिशस, पूरा तो नहीं, मॉरिशस का एक पार्ट यहाँ से दिखता है। भाई क्या जबरदस्त दिख रहा है यहाँ से मॉरिशस। यहाँ से हिंदू टेंपल भी दिख रहा है मुझे एक। और ये देखो मॉरिशस, जबरदस्त। गाइज, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप ओपिनियन ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन का नाम है प्रोबो। प्रोबो एप्लीकेशन पे आपको अपना ओपिनियन यस या नो में देना होता है। तो यहाँ पे आप अपना नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए यस या नो में ओपिनियन देकर अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलेगी, जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स और भी बहुत सारी। इसमें से आप किसी भी अपनी मन पसंदीदा कैटेगरी को चुन के अपना ओपिनियन यस या नो में दे सकते हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर, क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगा? बिल्कुल, ऑफकोर्स, पहले मैच की परफॉर्मेंस को देखते हुए तो यही लग रहा है भाई, और जबरदस्त तरीके से जीतने वाला इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस बार।
और यदि आप अपने ओपिनियन के बारे में श्योर हैं तो आप अपना ट्रेडिंग क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। प्रोबो एक 100% सेफ एंड ट्रस्टेड वेबसाइट है। यहाँ पे रोज 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपने ओपिनियन का सही इस्तेमाल करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे अपने जीते हुए पैसे को विड्रॉ करना और अमाउंट डिपॉजिट करना बहुत आसान है। आप फोन पे, UPI, गूगल पे, किसी के भी थ्रू यहाँ पे पैसा डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। सो फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोबो एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से जाइए, रजिस्टर कीजिए। वहां से रजिस्टर करने पे आपको मिलेगा अप टू 25 रुपीज बोनस। यहाँ पे मॉरीशस में हिंदू टेम्पल वगैरह बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, तो हो सकता है मैं कल है जो हिंदू टेम्पल्स को एक्सप्लोर करने जाऊँगा शायद से। और वो देखो, अभी जो मेरे होस्ट का घर है ना, वो आपको बिल्डिंग सी दिख रही होगी, गोल गोल वो बिल्डिंग दिख रही है ना, वहाँ उसके पास में ही है मेरे होस्ट का घर। और उधर देखो ओशन में, मैं जूम तो नहीं कर सकता कैमरे में, लेकिन वहाँ समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज खड़े हैं। और उधर है जो उस पहाड़ी में, यहाँ से मुझे दिख रहा है एक हिंदू टेम्पल दिख रहा है, यहाँ से सनसेट हो रहा है, जो सनसेट का व्यू दिख रहा है ना यहाँ से, जबरदस्त। भाई पूरा रास्ता भटक गया, अब मेरे को वो गार्डन दिख रहा होगा आप लोगों को, उत्थे जाना है बस। रास्ता भटकते 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 पहाड़ी में मालूम ही नहीं चला कि मैं किधर से जा रहा हूँ, और यहाँ पे आ पहुंचा। ये देखो यहाँ भी कोई शोरूम वगैरह है, उधर है जो मॉरीशस का अदर पार्ट है। और यहाँ से देखो जो अभी मैं पहाड़ी पे गया था ना, वो वाला पहाड़ी है, उस साइड से है ना जो इसका व्यू जबरदस्त। यदि कभी आप मॉरीशस आते हैं ना तो उस साइड जरूर जाके आइएगा पहाड़ियों में। और अभी यहाँ पे शाम होती जा रही है और लोगों की हलचल बढ़ती जा रही है। अभी मैं आपको जो मॉरीशस का व्यू दिखा रहा था ना, वो वहां बैठ के दिखा रहा था। और अब मुझे कार्टरे बोन्स जाना है, कार्टरे बोन्स तो सिटी है, वो सीधा ही रोड जा रहा है, बस इस पे चलते जाना है मुझे पैदल पैदल। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में चल लूँगा, क्योंकि वहाँ से कोई व्हीकल अवेलेबल नहीं था। और जो मेरा होस्ट था उसने मेरे को बोला था कि लगभग मेरे को फ़ोन करना 6:15-6:30 के लगभग, और अभी टाइम हुआ है 5:30, तो मैंने सोचा पैदल चलते हैं अब हम लोग। ये देखो भाई मॉरीशस एकदम अल्टीमेट क्लीन है। एक पानी का बोतल लिया है, पूरे रास्ते प्यासा मर गया, पहाड़ी में चढ़ा तब भी पानी नहीं, उतरा तब भी पानी नहीं, और यहाँ तक रास्ते में आधे रास्ते आ गए तब जाके एक दुकान मिला है कोई। यहाँ पे क्या है कि यार 5 से 5:30-6 के बीच में ना सारा मार्केट बंद हो जाता है, सब कुछ सुनसान एकदम। तो आप भी पहले इंडिया से ही होंगे शायद, आप हिंदी जानते हैं, आपके मतलब पुराने लोग इंडिया से ही आए होंगे। जी हाँ, मेरे ससुर के पापा अच्छा दादा इंडिया से आया। अच्छा ससुर के दादा इंडिया से आया, अच्छा अच्छा क्या बात है। तो मैं यहीं बैठ के खा लूँ क्या, बैठ जाऊँ यहाँ पे? नहीं मैं नीचे बैठ जाता हूँ, बैठा रहने दे इनको, बैठे रहो बैठे, मैं नीचे बैठ के खा लूँगा मैं। नहीं नहीं अब यहाँ पे मैं चिकन बिरयानी खाने वाला हूँ, यहाँ पे ये जो दो आंटी है ये यहाँ पे चिकन बिरयानी बेचती है, तो थोड़ा सा मैं पहाड़ी से थका थका आया, तो यहाँ पे चिकन बिरयानी अच्छी मिलती है वैसे मॉरीशस में, अच्छा मिलता है यहाँ पे चिकन बिरयानी। हाँ हाँ, और ये हिंदी भी जानते हैं यार, मुझे अच्छा लगा ये लोग हिंदी जानते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, कल आप लोगों ने देखा होगा कि यार मैं पहले तो जा रहा था उसके लिए स्कूबा डाइविंग के लिए, फिर स्कूबा डाइविंग अभी यहाँ पे बंद है, और अभी आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कोई बीच है, काफ़ी खूबसूरत बीच है, उसको घूमने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं, मैंने सोचा ये रास्ते में जा रहा था तो यहाँ पे कुछ लोकल फूड की शॉप मुझे दिखी मिली, तो सबसे पहले मैं खाना खा लेता हूँ यार। ये देखो अपने यहाँ पे ये पकौड़ियाँ, अपने यहाँ पे पकौड़ियाँ होती है, ये पकौड़ियाँ हैं, ये शायद आलू बड़े हैं इनका, तो मुझे पता नहीं ये क्या है। आलू बड़े क्या है, सीट दे। तू रोटी रोटी या वेजिटेबल चिली, यू नो हिंदी, हिंदी डोंट नो, थोड़ा थोड़ा ओनली इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा जानती है वो हिंदी, थोड़ा थोड़ा जानते हैं यार। यहाँ पे सारे लोग ना हिंदी बोलना भूल गए, शायद 150-200 साल पहले आए होंगे शायद इंडिया से लोग यहाँ पे, तो अब ज़्यादातर लोग हैं ना जो हिंदी बोलना लगभग भूला है। मुझे लगता है 30-40-50 साल बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी हिंदी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी लोग हैं ना जो बिल्कुल नए के बराबर जानते हैं। अभी यहाँ पे खाना खाऊंगा, फिर वेस्ट की साइड में कोई बीच है यहाँ पे, एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त बीच है, तो बीच को घूम के आऊँगा आज,
और आज सारे दिन मेरा वहीं रहने का विचार है। यदि वहाँ पे कोई वाटर स्पोर्ट्स का मुझे मिल गया, जुगाड़ बैठ जाता है वाटर स्पोर्ट्स का, तो मैं वाटर स्पोर्ट्स भी करके आऊँगा। क्योंकि यहाँ पे कल मैं सारे चांद मारा भाई, कहीं भी मेरे को स्कूबा करना था, स्कूबा डाइविंग, पूरा जो ये कार्टर पॉन्स एरिया ना पूरा चांद मारा। कहीं भी कोई भी जो स्कूबा अरेंज करता है उन्होंने बोला भाई अभी स्कूबा नहीं करवा रहे हम लोग। थैंक यू। नाम क्या है आपका? निशा। हाँ, इंडियन नेम है, सेम। और यहाँ पे देखो मेरे पास इतने सिक्के इकट्ठे हो गए, यहाँ पे जहाँ भी जाता हूँ ना वहाँ पे बस सिक्के पकड़ा देते हैं यार। 10 का 20 का 20 तक के सिक्के हैं यहाँ पे, 1 से लेके 20 तक के। तो इतने सिक्के इकट्ठे हो गए ये तो मेरे पास है। और मेरे बैग में आपको वहाँ पे मेरे होस्ट के घर पे जो मेरा बैग पड़ा उसमें बहुत सारे सिक्के पड़े हैं। अब इनको ख़त्म करना पड़ेगा मुझे, जल्दी से इन सिक्कों को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं जाते टाइम फिर दिक्कत होगी। इतने सिक्के मैं 8 से 10 सिक्के तो लेके जाता हूँ वैसे नॉर्मली, हर कंट्री के साथ में लेके जाता हूँ 8 से 10 सिक्के, जिसको चाहिए होता है उसको दे देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे वेस्ट में एक बीच है, क्या नाम है बीच का? बीच का नाम बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो बीच का नाम है फ्लिक इन फ्लैक बीच, देख के बता रहा हूँ। तो ये है यहाँ का बस स्टेशन जो कार्टरी बॉन्स जगह है। बस स्टेशन से यहाँ से लूँगा मैं फ्लिक इन फ्लैक बीच के लिए बस। और यहाँ पे बारिश शुरू हो गया है यार। और अभी वहाँ पे खाना खाया था ना, वहाँ पे 2 रोटी खाई थी, 2 रोटी का प्राइस था 40 मॉरिटियन रुपीज़ जो होता है 80 इंडियन रुपीज़। और एक 1 लीटर का पानी का बोतल लिया था, ये लिया था 25 मॉरिटियन रुपीज़, इसका प्राइस होता है इंडिया की बात करूँ तो 50 इंडियन रुपीज़। बारिश शुरू हो गया है, थोड़ा सा वेट करते हैं। आप देखें ये देखो, ये है यहाँ का बस स्टेशन, काफ़ी अच्छा है भाई, एकदम क्लीन नेट साफ सुथरा आपको मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त। हेलो फ्लिक इन। और यहाँ पे बस में कहीं भी जाओ आप लोग 40 से 45 मॉरिटियन रुपीज़ लेंगे, जो कि लगभग होता है 80 से 90 इंडियन रुपीज़ के लगभग। कहीं भी जाओ 40 से 45 मॉरिटियन रुपीज़ के बीच में ही लगेगा आपके। और ये बसें कुछ ऐसी होती हैं, यहाँ पे पहले भी दिखाई होगी, देखो पूरी की पूरी बस खाली जा रही है, ज़्यादातर बहुत कम पैसेंजर है बस में। वो देखो सामने छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क है, जय शिवराम लिखा है वहाँ पे, घूमेंगे इस पार्क को भी घूमेंगे। वो देखो वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी की स्टेचू लगा है वहाँ पे। और यहाँ पे जो बस स्टॉप होते हैं ना, वो बस ऐसे एक छतरी सी तान के रखते हैं, ऐसे एक कुटिया सी बना के रखते हैं, बस ये बस स्टॉप है यहाँ का। जो रूरल एरियाज में बस स्टॉप है वो सारे के सारे ऐसे ही मिलेंगे आप लोगों को। और इसके पीछे ही जो हनुमान जी का मंदिर था अभी आप लोगों को दिखाई था, हमने हनुमान जी का बहुत बड़ा स्टेचू लगा था वहाँ पे। और यहाँ मॉरिशस के सारे खेतों में ना यार ऐसी ये खेती होती है, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है जो खेती करती है किसकी। सभी खेतों में यही पौधे देखने को मिलेंगे, इसी का फार्मिंग होता है सभी खेतों में, आपको सामने दिख रहा होगा। आप लोगों को यदि कैमरे में क्लियर दिख पा रहा है तो मुझे बताओ ये क्या है, मेरे तो समझ में नहीं आया गिरकार ये है क्या। अच्छा मॉरिशस है छोटा सा लेकिन इतना कंजेस्टेड नहीं है, बिल्कुल खुला खुला है भाई। यहाँ पे गाँव भी है, बिल्कुल खुले मैदान भी है, छोटा सा है, 40 किलोमीटर इधर उधर जाओगे तो ख़त्म हो जाएगा मॉरिशस 40-45 किलोमीटर में। यहाँ देखो इतनी सी छोटी सी जगह 40-45 किलोमीटर में फैला है, 2040 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, लेकिन आप देखो 2040 वर्ग किलोमीटर में भी इतना आपको खुले मैदान देखने को मिलेंगे यहाँ पे मॉरिशस में। और ये है मॉरिशस का रूरल एरिया, आप लोग देख लो भाई, गांव में आ गए हम लोग मॉरिशस के। ऐसे होते हैं मॉरिशस के गाँव होते, हम लोग ऑलमोस्ट है जो गाँव है ना वहाँ पर पहुँच गए। अभी यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर आगे चल के है वो बीच, जो फ्लिक इन फ्लैक बीच है वो 8 से 10 किलोमीटर आगे चलने के बाद आएगा अभी। और ये देखो भाई यहाँ पे गांव में KFC है, ये पूरा का पूरा रूरल एरिया है, यहाँ पे गांव में इन लोगों ने KFC खोल रखा है। यहाँ के गांव में भी आपको बहुत अच्छे खासे घर दिखेंगे यार, ऐसा नहीं है गांव में वो कच्चे घर है या वैसे थोड़े कमज़ोर घर है, सिटी जैसे ही एकदम अच्छे घर मिलेंगे ये लोग। देखो आप अभी मैं हूँ जो यहाँ के ग्रामीण रूरल एरिया में आ गया हूँ, ग्रामीण एरिया की बिल्डिंग्स भी आप देखो अच्छी खासी मिलेगी आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे बस कुछ कुछ बिल्डिंग मिलेगी वो भी एकदम ज़बरदस्त मिलेगी, लेकिन
सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं जो फ्लिक एंड फ्लैग बीच है वहां पे, और यहां पे इतना कोई ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है। मैं जो ग्रैंड बे बीचेस पे गया था वहां पे भाई इतना जबरदस्त भीड़ भड़ाका था, पूछो मत। और ये देखो ये बीच पूरा का पूरा खाली है, यहाँ पे बहुत सारे कम लोग मिलेंगे आपको वैसे देखने के लिए। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे मैं बीच पे घूमने आया था, जैसा कि आप लोगों को कल से मैं दिखा रहा हूँ, मैं वहाँ काटरे बोन से यहाँ पे बीच पे घूमने आया था। तो अभी मैं यहाँ पे एक हिंदू फैमिली से मिला हूँ, ये राजस्थान जयपुर भी घूमे हैं और इनके जो एंसेस्टर थे ना वो इंडिया से ही आए हुए हैं। तो सर आई एम गुड तो आप लोगों से मिले काफ़ी अच्छा लगा। I'm very happy also because I made so many visits in India. I know so many people in India. Yeah. So instantly, while searching for some place to sit down, we met. Yeah. I'm very surprised that you are open-minded. Very good. Thank you very much. Thank you. Malay. Why are you shy? मैं कुछ नहीं बोलूँगी। क्यों नहीं बोलेंगे? कुछ नहीं मुझे जो। I'm an artist. Yeah. You are an artist. Nice. I'm an instrumentalist, guitar player. Yeah. And everybody knows me in Mauritius. Yeah. And I want to know everybody in this world. Yes. Of course. Right. I met so many people in India. Yeah. Musicians, singers. Vinod Rathod. I played for him. Yeah. Nice. Ismail Darbar. We met. Yes. Yeah. And good. So many people from India. We know so many people from India. And I come to know you, Kailash. Yes. Thank you. Now, if you come to India, you can contact me. Definitely. आज यहाँ पे बारिश बड़ी हो रही है यार सुबह से। अभी वो हिंदू फैमिली से मैं मिला था, वहाँ पे हम लोग बैठे थे तो बीच में बारिश आ गया फिर वो लोग उठ के चले गए, वरना काफी अच्छे लोग थे वो। उनके एंसेस्टर इंडिया से आए थे काफी सालों पहले, मतलब बहुत सालों पहले। और उन्होंने मुझे ये भी बताया यहाँ पे ना स्कूल्स में है ना जो आज भी हिंदी लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हिंदी लैंग्वेज की एक अलग से बुक चलती है यहाँ पे स्कूल्स में। अच्छा लगा ये जान के। और ये बारिश हो रही है यार, आज ही आ रही थी यहाँ पे, बारिश का सीजन है नहीं लेकिन पता नहीं बारिश हो रही है। ये देखो इधर अभी मैं यहाँ पे बीच पे हूँ, क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर है। और यहाँ पे मेरा विचार था कि मैं ये बीच में नहाने जाऊं लेकिन देखते हैं देखिए बारिश कब थमती है। देखो मैं यहाँ पे चलते चलते एक इंडियन भाई से और मिल गया। क्या नाम है आपका? अजय अभिमन्यु। मेरा नाम कैलाश है। अच्छा लगा आपसे मिलके। भाई है। एक ही फैमिली। मैं इंडिया से हूँ, अभी इंडिया में रहता हूँ। जबरदस्त लहरें चल रही है, जबरदस्त वाली। बीच पूरा का पूरा खाली पड़ा है बारिश के बाद में। बारिश आई और बीच पूरा खाली हो गया। सो गाइस ये था इस बीच का ट्रिप। अब मैं वापस से कार्टर बॉन्स को जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ना बारिश का मौसम कुछ ज़्यादा ही बन रहा है आज, तो मैं वापस से जाऊंगा। बारिश पता नहीं कभी भी आ सकती है, यदि बारिश नहीं थमी तो फिर मैं यहीं अटक जाऊंगा। और कल मेरी फ्लाइट है वापस मॉरिशस से वापसी की, तो कल बताऊंगा वापस मैं जा तो कहाँ रहा हूँ। एक्चुअली कल अभी मुझे भी नहीं पता मैं जाऊँगा कहाँ, फ्लाइट बुक कर रखी है। तो एक बीच में ले ओवर 9 घंटे का ले ओवर है, तो मैं सोच रहा हूँ उसी कंट्री में निकल जाऊँ मैं, जहाँ की मैंने फ्लाइट बुक की है वहाँ पे नहीं जाऊँगा। जिस कंट्री में मेरा ले ओवर है वहाँ के लिए मैंने वीज़ा ऑलरेडी ले लिया है, तो मैं वहाँ पे निकल जाऊँगा। 9 घंटे का ले ओवर में मैं निकल जाऊँगा, वीज़ा वगैरह ऑलरेडी मैंने ले ही रखा है। तो अभी देखते हैं। और ये है जहाँ पे मैं